केंद्रीय कारागार बरेली में बंद रहने के दौरान माफिया अतीक के भाई माफिया अशरफ के अवैध मुलाकात कराने के आरोपी आतिन जफर को पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ के लिए उसे प्रयागराज से बरेली लाई है। मार्च में बिथरी चैनपुर में अतीक के भाई माफिया अशरफ के साले सद्दाम और उनके करीबी लल्ला गद्दी आतिन जफर समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इस पर आरोप था कि वो जेल में माफिया अशरफ को VIP ट्रीटमेंट दिलवाते थे, जिसके बाद से ही जफर फरार चल रहा था, जबकि लल्ला गद्दी और अन्य आरोपी जेल में है। इस मामले में कोर्ट ने आतिन जफर और गुड्डू बम्बाज का गैर जमानती वारंट जारी किया। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए SSP बरेली ने 2 टीमें भेजी, जिसके बाद जफर बेखौफ होकर बाहर निकला तो उसे प्रयागराज पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि 24 फरवरी 2023 की रात 9 बजे लखनऊ में असद के ATM से रुपए निकालते समय आतिन जफर की फोटो कैद हुई थी। प्रयागराज में 24 फरवरी को ही उमेश पॉल की दोपहर में हत्या की गई थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए असद ने अपना मोबाइल और ATM लखनऊ में छोड़ा था, जिससे पुलिस उसकी लोकेशन ना ट्रेस कर सके और उमेश पॉल हत्याकांड के बाद अतीक के बेटे असद को बचाया जा सके। मीथरी चैनपुर में एक मुकदमा पंजीकृत था 86/23, उसमें हमारा एक वांछित अपराधी था जिसका नाम था यतीन जफर। उसके खिलाफ NBW जारी था, उसकी गिरफ्तारी थाना मीथरी चैनपुर पुलिस द्वारा की गई है। उसको आज रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया है। एमग्रीवी दिखा गए संपूर्ण बरेली जेल में निरुद्ध माफिया अशरफ, उससे गैर कानूनी तरीके से मुलाकात करने और उसको गैर कानूनी तरीके से सपोर्ट करने के संबंध में एक मुकदमा 86/23 थाना मीथरी चैनपुर में पंजीकृत हुआ था, उसी के संबंध में ये वर्चित चल रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।